शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैठे इंतजार में है कि कब मैं आऊंगा, कुछ बातें करूंगा, कब मेरे दोस्तों को लेकर आऊंगा और वो आपसे कुछ बातें करेंगे। जब बातें करेंगे तो उन बातों में से वो बातें निकलेगी, क्योंकि बातों से आपको लगेगा कि बातें तो ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर ऐसी बातें नहीं हो तो फिर बातें कैसी होंगी। और जैसी बातें होती है वैसी बातें तो हमें करने की जरूरत नहीं है, और जो बातें हम करते हैं वो हम करना नहीं चाहते। जिनसे बातें नहीं करना चाहते उनसे बातें करनी पड़ती है, और जिनसे बातें करते हैं उनसे बातें नहीं करना चाहते, और जिनसे बातें होती है उनसे कोई बात नहीं होती। लेकिन इन्हीं बातों में से बात निकलती है। छोटा सा दृश्य याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में एक बेटा अपने वृद्ध बाप के साथ बैठ के खाना खा रहा था। पिता की उम्र ज्यादा थी और खाते वक्त वृद्धावस्था में आप जानते हैं कि हाथ ठीक से काम नहीं करते, वो खाते वक्त गिरा रहे थे, कपड़ों पे गिर रहा था, कभी साइड में गिर रहा था, चम्मच मुंह में ठीक से नहीं जा रहा था, कभी कौर मार रहा था, लेकिन वो लड़का बिल्कुल शांत बैठा था और उन्हें ठीक करते हुए खिला भी रहा था। उसने किसी तरह खाना खिलाया और लोग जो वहाँ बैठे हुए थे दूसरी टेबलों में बड़ी हिकारत की दृष्टि से देख रहे थे, डिस्गस्टिंग, खाना गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गंदगी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो लड़का जो अपने पिता के साथ था शांत रहा। जैसे ही खाना खत्म हुआ वो पिता को बाथरूम की ओर ले गया, उनके कपड़े साफ किए, हाथ धुलवाए, मुंह धुलवाया, बालों में कंघी की और उनको बिल्कुल ठीक ठाक करके जब बाहर ले जाने लगा तो पीछे एक दूसरी टेबल पे एक वृद्ध सज्जन और बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज लगी, बेटा तुम कुछ भूल के तो नहीं जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, नहीं मैं तो सब सामान ले लिया, मैं कुछ भी भूल के नहीं जा रहा। कि नहीं बेटा तुम बहुत कुछ भूल के जा रहे हो। कि नहीं मैंने कुछ नहीं भूला। कि नहीं तुमने कुछ छोड़ा है यहाँ पे? कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ मेरे पास है। कि नहीं तुमने कुछ छोड़ा और तुम छोड़ के जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? बोले, बेटा तुम यहां जितने ये युवा बैठे हुए हैं ना, उनके लिए एक शिक्षा छोड़ के जा रहे हैं, और उससे बड़ी चीज के मेरी उम्र के जितने वृद्ध यहां बैठे हैं उनके लिए एक उम्मीद छोड़ के जा रहे हो। और उम्मीद ये है कि बचपन में हम अपने खाते वक्त मुंह से गिराते हैं, कपड़े गंदे कर देते हैं, हमारे पिता हम पे नाराज नहीं होते, मुंह साफ कर लेते हैं, कपड़े साफ कर लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों जब वो इस काबिल नहीं रहते तो हमें करने में संकोच होने लगता है। ये उम्मीद जिंदा रखिए, जिसने अगर हमें मुंह में कौर नहीं दिया होता तो हम इस लायक नहीं होते कि हम कुछ कर सकें। तो आज अगर हम अपने माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर कहिए, और इस खूबसूरत जिंदगी को देने के लिए उनको कहिए, वाह भाई वाह। मैं कहानी सुना रहा था और प्रेरणा की आंखों में आंसू थे, शायद इसलिए क्योंकि संवेदना अभी जिंदा है और ये संवेदनाएं जिंदा रहनी चाहिए। प्रेरणा, इन आंसुओं को पहुंच लो। संवेदनाएं हमारे भीतर है क्योंकि हम कलमकार हैं, हमारे हाथों में कलम है। ये आंखों की नमी जो है वो कभी कभी बहुत अच्छी लगती है और होनी भी चाहिए। वो इंसानी क्या जो हंसी आए तो हंसे नहीं, वो इंसानी क्या जब गम हो तो रोए नहीं। कहता हूं, मुंह फाड़ के हंसिए, जी खोल के हंसिए, रोना आए तो आंखों पे काला चश्मा मत चढ़ाइए, रो पड़िए, क्योंकि अगर हमने रोना और हंसना बंद कर दिया तो हम कुछ भी रह जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। इसलिए आइए इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और मिलाते हैं हमारे तीन साथियों से, जो आपकी आंखों में पानी लेके आएंगे लेकिन हंसी की, आपके पलकों की कोर गीली हो जाएगी लेकिन हंसने की वजह से। अब थोड़ा मस्त हो जाओ यार, खुश हो जाओ। अब बात करते हैं हंसी की, और तुम तो बिल्कुल मत रो प्रेरणा, औरतों के आंसू अच्छे नहीं लगते, औरतें रोने के लिए नहीं होती है, रुलाने के लिए होती है। माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं दुनिया भर की महिलाओं से, मतलब खुद भी मानती हैं सर। अच्छा, घर जाओ, इनकी पत्नी है साथ में आइए,
इस आदमी को वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। जो भी मैं बात कर रहा हूं हैं करके टाल रहा है और पत्नी सामने बैठी और इतने दांत निकाल रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें? ये रितेश त्रिपाठी है, रितेश में ऋषि वाला री है ना, है ना? ये ऋषि वाला जो री होता है ना, वो री। अरुण जैमिनी हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं कि एक स्कूल के अंदर एक वो गया बच्चे और कहा कि ऋषि लिखो, बच्चों को कहा टीचर ने। अब वो ऋषि वाला री बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो आसानी से लिखा नहीं जाता। बच्चा कभी चौक देखे, कभी बोर्ड देखे, कभी बोर्ड देखे, कभी चौक देखे, पर उसको री समझ में नहीं आ रहा था ऋषि वाला। तो चौक और बोर्ड देखने के बाद मास्टर से बोला, बाबा जी लिख दूं क्या? तो ये ऋषि वाला री वाले रितेश त्रिपाठी हैं, जो बड़ौदा से हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं रितेश त्रिपाठी का। रितेश त्रिपाठी के पास प्रेरणा ठाकरे हैं, जिन्होंने मुझे कहा था कि सर मेरे परिचय में जरूर कहिएगा कि मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे हूं। तो कह देता हूं कि डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे हैं, इन्होंने पीएचडी की है और इनका क्या इसलिए कही है कि मैंने पीएचडी प्राप्त करने में बहुत चप्पल घिसे हैं। तो चलिए मैं देश के सामने कहता हूँ कि डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे हैं, मैं कंपाउंडर शैलेश लोढ़ा हूँ। और ये वार्ड बॉय दिनेश बंटी हमारे बीच में बैठा है और रोगी से तो आप मिल ही चुके हैं। दिनेश बंटी शाहपुरा भीलवाड़ा से हमारे बीच में आते हैं और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बजाते हैं हास्य की घंटी, दिनेश बंटी जोरदार तालियों के साथ। वैसे मैं एक घटना से शुरुआत करता हूँ। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ, एक दिन मैं 6 बजे ही उठ गया। पत्नी पोर्च में झाड़ू लगा रही थी। मैंने चुपचाप जाके पीछे से आके बंद करी। मैंने कहा बता मैं कौन हूँ? उसने कहा सुबह सुबह और कौन उठ सकते हैं? वही दूध वाले बेरूलाल जी। लेकिन ऐसे में क्या है, पत्नियां संभाल भी लेती है जी। एक ऐसी अत्याधुनिक पत्नी थी जी, और इसके भी पीछे किसी ने आके हाथ पकड़, पति नहीं मतलब, आंखें बंद की ये बोली राजू, एक तो राजू नहीं, मैं वही तो कहती, राजू साहब आ गए पानी लाओ। मैं आपको मोबाइल और बीवी में की कविता सुनाता हूँ। अच्छा, अरे मोबाइल और बीवी जी। मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा है। अच्छा, ऑटोमेटिक समझ जाना है कि ये बीवी के बारे में बता रहा है। मोबाइल और बीवी दोनों स्मार्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट थे। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। अच्छा, मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। मोबाइल चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही महंगा हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा नहीं दिखता। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो रंगीन हो तो चौकीदारी करो। बहुत अच्छे। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है,
बीवी में दो प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली और दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, और गुस्से वाली रिंगटोन अपने दिमाग में जब भी बीवी का फोन आता है ऑटोमेटिक बजने लगती है। और मैंने तो वो रिंगटोन भाई साहब सेट भी करवा रखी है, तुम्हारे हो या मैं आऊं। भाई साहब क्या होता है कि आदमी बेचारा शाम को कभी कभी जाम लग जाता है तो जाम में लेट हो जाता है। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है। बहुत बढ़िया दिनेश। मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है, सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो, क्योंकि सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी। हाय हाय क्या बात है, वाह वाह। अच्छा दिनेश क्या बात है यार, वाह क्या बारीक ढूंढ के लेके आए हो तुम। बस मोबाइल और बीवी में सिर्फ एक ही छोटा सा फर्क है, मोबाइल तो आप लॉक भी कर सकते हो। वहां कोई चारा नहीं है, और जो तुम शाम को जाम में फंस रहे हो ना, वो थोड़ा कम फंसो। जैसे एक आदमी बैठा हुआ था, जेब से पर्स निकालता और कुछ देखता, फिर रख देता, फिर एक और। किसी ने पूछा क्या कर क्या रहे हो यार, क्या देख रहे हो। बीवी की फोटो है, बड़ा बहुत प्यार करता, प्यार की ऐसी की तैसी। तो बोले फोटो देख देख के एक एक क्यों मंगा रहे हो, जब तक सुंदर नहीं लगने जाती। उसी के बाद घर जाऊंगा तो जाम में थोड़ा कम फंसो मेरी जान। और हम बुला रहे हैं ऋषि वाले रितेश त्रिपाठी जी को। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मजाया गजल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका प्रथम शेर देश की तमाम शैंपू बनाने वाली कंपनियों को समर्पित करता हूं कि कुछ इस तरह से सिर वो मेरा धो गए तो क्या करूं, कुछ इस तरह से सिर वो मेरा धो गए तो क्या करूं, चार बालों में से भी अब धो गए तो क्या करूं। कि चार बालों में से भी अब धो गए तो क्या करूं, और है अरबपति मेरे पापा, देखिए फिर भी नसीब, कुंभ के मेले में मुझको खो गए तो क्या करूं, कुंभ के मेले में मुझको खो गए तो क्या करूं, और चाहता था मैं भी करना फैमिली प्लानिंग, मगर चार बच्चे साथ में ही हो गए तो क्या करूं, चार बच्चे साथ में ही हो गए तो क्या करूं। और इसी बेबसी को आगे बढ़ाते हुए पर आपने कहा कि चार बाल थे दो रह गए, तो मुझे स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी की एक बात बड़ी अच्छी याद आ गई। वो कहते थे कि जब सर पे दो ही बाल रह गए तो सीनियर बाल ने जूनियर बाल से कहा कि आओ हम आपस में विवाह कर लें ताकि ये खेती लहलहा उठे। लेकिन सीनियर ने समझाया हम नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह पे प्रतिबंध है। जिंदगी की इस बेबसी को आगे बढ़ाते हुए एक और मजाया गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका मतला कंपनी में काम करने वाली सेक्रेटरी को समर्पित करता हूं। हो बीबी सामने ध्यान रखना। वो न करती काम कोई खास तो मैं क्या करूं, वो न करती काम कोई खास तो मैं क्या करूं, खुश रहे उससे ही लेकिन बॉस मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। और मैं बनाना चाहता था मार्बल का ताज पर, हो न पाया लोन मेरा पास तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, हो न पाया लोन मेरा पास तो मैं क्या करूं। अब बाप ने मुझको पढ़ाया ये सोचकर अफसर बनूं, छीलनी पड़ती है लेकिन घास तो मैं क्या करूं। और अच्छी बीवी मैंने पाई,
जाने किसके भाग्य से, कभी कभी पड़ोसी के भाग्य से भी मिलती है कि अच्छी बीवी मैंने पाई जाने किसके भाग्य से, साथ रहने आ गई पर सास, तो मैं क्या करूं। और इम्तिहान में पास होने को नकल जिससे भी की, यार वो ही हो न पाया पास, तो मैं क्या करूं। और अंतिम शेर अगर अच्छा लगे तो दास चाहूंगा कि राम हो बेटा मेरा, मैंने सदा चाहा यही, उसने मुझको ही दिया वनवास, तो मैं क्या करूं। उसने मुझको ही दिया वनवास तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिंदगी ऐसी बेबसी का नाम है कि क्या कहें। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि शादी के पहले मैंने बड़े बड़े शायरों के शेर कंठस्थ किए थे कि सुहागरात के दिन दुल्हन को सुनाऊंगा, उसे रिझाऊंगा, लेकिन जैसे ही घूंघट उठाया पर बस ये मुंह से निकल आया, मेटकी जैसा रूप है तेरा। जैसे बाल, अरे कि मेटकी जैसा रूप है तेरा, भुतनी जैसे बाल, अरे देख के तुझको डर लगता है, मुंह पे घूंघट डाल। लेकिन साहब मैं भी वडोदरा का संस्कारी पत्नी व्रता, लेकिन इस शेर को आपने जिनके सामने सुनाया है, अब आपको कल से कहना पड़ेगा कि हिम्मत थी मेरी कि उन्हीं के सामने सुना दिया शेर, अब वो न फटके पास तो मैं क्या करूं। सर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं वडोदरा का, बता दिया आपने। क्या नाम है श्रीमती त्रिपाठी आपका? सुमन। तो सुमन मतलब फूल, उसके क्या? साथ कांटे भी होते हैं सर। हाँ वो तो हम देख रहे हैं। ये जो कह रहे हैं क्या मतलब? कोई जो एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने लिखा। ये होती है भारतीय नारी हैं? देखो आप कितना मतलब तहजीब से इज्जत बचा ली त्रिपाठी जी आपकी कि उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने उनको मेंढकी जैसा कहा है। आपने कभी आईना देखा है घर में? मेरा आंसू उन्हीं में नजर आता है। बहुत बढ़िया, ये थे रितेश त्रिपाठी, जोरदार तालियां में, क्या बात है, थैंक यू। रितेश त्रिपाठी जी अध्यापक हैं, क्या पढ़ाते हैं आप रितेश जी? गणित विज्ञान सर। गणित और विज्ञान, विज्ञान भी पढ़ाते हैं साथ में। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 6 to 8। 6 to 8 को पढ़ाते हैं जी सर। और कवि सम्मेलन में जाते हैं जी सर। तो आज से तो मुझे एक तो चीज पता चल गई कि कवि सम्मेलन में आपको माइक की आवश्यकता तो नहीं पड़ती होगी। सुमन जी माइक लीजिए, घर में सुनाते कि नहीं है गजलें आपको? पहली श्रोता मैं ही हूँ। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हर गजल आपको सुनाते हैं? हाँ। और आप शांत सुनती हैं? हाँ। कितनी भाग्यशाली हैं आप। बहुत कुछ सुनाती हैं सर जी। बहुत कुछ सुनाती हैं। ये भी सुनाती है फिर वो? हाँ सुनाती होंगी। आप भी सुनाती है सुमन जी? नहीं सुनाती है? नहीं। पहली बीवी है जो नहीं सुनाती है, बाकी बीवियां सुनाती है? ये अंदर की बात है सर। बाकी बीवियां दिन में बैठे शायरी करते रहते हैं, शेर से आटा आएंगे तुम्हारे घर में, काम करते हो नहीं, कपड़े कौन धोएगा तुम्हारे, टेबल कौन साफ करेगा, क्या ढेर लगा रखा है यहाँ पे, सुनना ही पड़ता है। पति का जन्म सुनने के लिए हुआ है, वो हर जन्म में सुनेगा क्योंकि उसका नाम ही पति है,
और इतना सुनाने के बाद भी कहती है कि भगवान अगले जन्म में यही देना, तो फिर कहते हैं लोग, पति बिचारे, कि भाई जब इतना सुनाती है तो अगले जन्म में क्यों मांग रही है कि एक जन्म में ठीक ठाक के सुधारूं और वो किसी और को दे दूं। महफिल में दिनेश बंटी और रितेश त्रिपाठी जी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। और हमारे साथ अब एक ऐसी कवित्री उपस्थित है जो नीमच मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई है, जिनका नाम डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे है, और वो कई सारे रसों में एक साथ लिखती है, और आज पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे प्रस्तुत हो रही है। और जब पहली बार कोई आता है और देश को कोई प्रतिभा हम पहली बार टेलीविजन को सौंपते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नीमच एक बहुत खूबसूरत कस्बा है और उससे कुछ किलोमीटर दूर ही मैंने बचपन में कुछ क्लास पास की है। नीमच ज़िले के बिल्कुल पास एक कस्बा है निम्बाहेड़ा, जहाँ मैं अपने बचपन की पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ा करता था। तो मेरे जीवन की बचपन की बहुत खूबसूरत यादें उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वहाँ से आती हैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे अपने हास्य गीत के साथ। जोड़ रहता चेमारू के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, और आइए आनंद की पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अपने अपने अनुभव याद करना और सुनना। पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई डेटिंग, पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई डेटिंग, रात रात भर जाग जाग कर खूब करी थी चैटिंग, उसका ब्रेकअप मैसेज पढ़ के होश ढीले हो गए। उसका ब्रेकअप मैसेज पढ़ के होश ढीले हो गए। मोटरसाइकिल बेच के उसको दिलवाया मोबाइल, अब वो उसके साथ पति की डाल रही प्रोफाइल, उसके काले पीले फोटो भी रंगीले हो गए, उसके काले पीले फोटो भी रंगीले हो गए, इसके हाथ खाली, उसके हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए, और कहती तेरे सिवान मेरी यारी है और उसे लड़कियां देखना। शैलेश जी एक दुकान पर एक लड़की ने कहा जा करके कि भैया कोई ऐसा गिफ्ट कार्ड है जिसपे लिखा हो आई लव यू, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। दुकानदार ने कहा हाँ है। लड़की ने कहा तो ऐसे 20 दे दो। कि कहती तेरे सिवान मेरी यारी है औरों से, रिचार्ज से करवाती बात करे गैरों से, कहती तेरे सिवान मेरी यारी है औरों से, रिचार्ज से करवाती बात करे गैरों से, वो तो रही चैन से और ये दर्दीले हो गए, वो तो रही चैन से और ये दर्दीले हो गए, इसके हाथ खाली, उसके हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए। और सुनना कि लव यू लिख लिख उसको खूब बनाया उल्लू, लव यू लिख लिख उसको खूब बनाया उल्लू, इनके हाथ बचा है केवल बाबा जी का ठुल्लू। अच्छे, इसके हाथ खाली, उसके हाथ पीले हो गए, बेचारे लड़के क्या करें। अरे ऐसा म्यूजिक बजाना जरूरी है क्या यार? वैसे ही गम की बात चल रही है और गम की बात में तो पी कर रहा है, मानेगा नहीं तू, करता ही रहेगा पी पी। आज भी मूड खराब और नहीं रोना आ रहा हो तो पै करके रुला देता है।
बजाओ। तू ही था दोपहर में स्टेशन पे बजा रहा था, मानते नहीं है लड़के। जैसे ये मुझे बोला भाई साहब बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं, मैं कहा बताओ। बोले दुखी आदमी हो ना तो उसे ठेस मत पहुंचाओ, उसको ठेके पे पहुंचाओ। ठेके पे पहुंचता अगला। तो डॉक्टर ने कहा पीते हो तो थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। बोले ठेके तक तो पैदल ही जाता हूं। फिर बोलता भाई साहब आदमी की आंख खुलती है ना तब वो उठता है सुबह। क्या जब आंख खुलती है ना तब आदमी सुबह उठता है। मैंने कहना क्या था? बोले इतना ज्ञानी पर घमंड नहीं किया कभी। ऐसा ज्ञान ये उन स्कूलों में पढ़ते थे। स्कूलों में क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना जो मेहनत किया करो, नकल वकल नहीं। हमारे एक टीचर बड़े कमाल थे, वो नहीं कहते थे मेहनत किया करो नकल वकल, पर्ची वर्ची चबा लो, चेक करने वाले आ रहे हैं चबा लो जल्दी चबा। और सारे लोग चबाली सर चबाली, अब पेपर शुरू करो। इंटेलिजेंस है, ये ज्ञान की बात है। और ज्ञान की बातें करते हैं कई लोग। जैसे एक पति था, अपनी पत्नी को कहा कि मैं दुबई जा रहा हूं, मेरे कॉस्मेटिक्स लेके आना प्लीज। थोड़ी देर बाद मैं सिंगापुर जा रहा हूं, मेरे परफ्यूम लेके आना प्लीज। फिर मैं लंदन जा रहा हूं, मेरे कपड़े लेके आना प्लीज। एक दिन दुखी होगा, मैं नरक में जा रहा हूं, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। ये बुद्धिमत्ता बड़ी जरूरी है। पर हमारे पास तीन ऐसे बुद्धिमान लोग बैठे हैं जिनमें दो आप देखें चेहरे मोहरे से कितने शानदार हैं। इसने अपने ज्ञान पे कभी घमंड नहीं किया, इसने अपनी सुंदरता पे कभी घमंड नहीं किया, कभी नहीं। मैंने कहा इतना निकल गया इसको कम कर। बोले भाई साहब अपन तो इससे अपने पास इलाज है, अपन कम पेट कम अपने आप ही हो जाता है। बोले कैसे? अपने से बड़े पेट वाले के साथ चलते हैं अपन, अपना कम दिखता है। ये है संजय खत्री, जो इंदौर के पास एक कस्बा है बेटमा, वहां से आते हैं और बड़े कमाल के हास्य कवि हैं। कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, इन दिनों तेजी से अपना नाम बना रहे हैं। संजय खत्री हमारे बीच में है। संजय इधर आओ जरा। जरा जूम करना इधर, इससे बढ़िया तो दीवार घड़ी पहन लेता। इतनी बड़ी घड़ी, ये घड़ी है कि घड़ा है? भाई साहब ये घड़ी मेरी प्रेमिका ने मुझे गिफ्ट दी है। ओए होए, वाह। और इससे भी बड़ी बात कि मुझे देखने के बाद दी है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जिसने घड़ी दी समय उसका खराब चल रहा था। ये संजय खत्री है जो बेटवा से हमारे बीच में आते हैं, अतुल ज्वाला है जो इंदौर से हमारे बीच में आते हैं, यानी दोनों आजू बाजू के लोग हैं, बिल्कुल आसपास के लोग हैं। इंदौर के पास राऊ एक जगह, राऊ से बेटवा की दूरी कितनी है? सर 45 किलोमीटर। अच्छा, ओ 45 इन इंग्लिश 45। ऑडियंस में जरा लड़कियां क्या देख ली। ये मधुमोहिनी उपाध्याय हैं जिन्हें मैं बरसों से जानता हूं, लेकिन पहली बार आज वाह भाई वाह के मंच पे आए। बहुत बरस पहले मेरे टेलीविजन शो में ये आके गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई विषयों पे लिखती हैं, हास्य भी लिखती हैं, व्यंग्य भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, ज्योतिष में भी रुचि रखती हैं, मेडिटेशन भी करती हैं, कई तरह की किताबें लिखती हैं, और बहुत सारे इन्होंने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए हिंदी कविता के। दिल्ली से हमारे बीच में आती है डॉक्टर मधुमोहिनी उपाध्याय, हम इनका स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं, घड़ी मिलन की आई तो छुट्टी लेके आ जा, संजय खत्री।
मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ भाई साहब घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए हो नहीं हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत महिलाएं दीदी जनरली रात में खोलती हैं, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है मैं बताता हूँ कि चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं। चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं। और बुक मारती है जब भी व्रत करती, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते। तो मैंने कहा सारे घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही, नात आप रात में दिखाई नहीं देते। तो एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिए अपने हाथ में। अच्छा, एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिए अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे, हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। अच्छा, तभी तू नक्कर बोली कि बातें मत बनाओ और मुझे कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और अपने ससुर के साथ अभी सूली पे चढ़ सकता हूँ। मैं पत्नी से कह गया बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। तू अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर तू पहले मार तो सही। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में, विचार रखे उसने भी प्रतिशोध में, क्योंकि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा भी हाथों नहीं रचाओगे। मैंने कहा प्राण प्रिय हम तेरी यादों में घुट घुट कर मरेंगे और जब तक तेरी तेर भी नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। तेर भी ना हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। पत्नी फिर चिल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय मैं भी तुम्हारी यादों से ही ये संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी। बना के रखूंगी उसे अप टू डेट और जब भी दूसरा ब्याह किया तो अपने नए पति को करूंगी भेंट। हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए। दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साध कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांध कर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तूफान में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा तोड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा अंधेरों की पीड़ा क्या जाने रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। हाय हाय, हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है, और छोड़ो इन बेकार की बातों को क्योंकि इससे तो अच्छा अपना माना झोपड़ा है। हमने अपनी अपनी चुप्पियाँ तोड़ी, प्रेम की चादर ओढ़ी। मैंने पत्नी को कहा कि तू मुझे मंजूर है और मैं तुझे स्वीकार हूँ, तू मेरा ताजमहल और मैं तेरा कुतुब मीनार हूँ। केवल चार पंक्तियाँ इनके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एक लव की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। अरे रे खुश हो, अरे खुश हो, अरे संजय संजय तुमने मुझे भावुक कर दिया संजय, मुझे नहीं मालूम था। मैं अपने बारे में ये सब सुनता हूँ तो बड़ा सहम जाता हूँ। मेरे अब तक के पूरे जीवन काल में
केवल आप ऐसे शख्स के जिनके सामने मैं आता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू क्या मालूम क्यों झरने लगते हैं। मैं घर पे रहता हूँ तो भी ये चीजें होती है, मैं आपसे नहीं मिलता हूँ तो भी ये चीजें होती है। और बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, शायद ध्यान नहीं, मैं 2008 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज कह सकता हूँ कि आज मैंने कुंभ का स्नान कर लिया है। और मैं भाई साहब से हमेशा कहता हूँ आपके दर्शन मेरे लिए तीर्थ समान है। क्या बोले, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये जो बोल रहे थे मैं आपको सच बता रही हूँ, रोंगटे मेरे अभी तक भी खड़े हैं। एक बार तालियां बजाइए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों को, पूरे समाज को, पूरे देश को जो हिंदी की दिशा दे रहे हैं, जो कविता की दिशा दे रहे हैं, जो संस्कृति की दिशा दे रहे हैं, जो संस्कारों की दिशा दे रहे हैं, मैं चार पंक्तियां नूर नौरी के लिए इनके लिए कहना चाहूंगी। मेरे भी दिल में इनके साथ साथ कुछ भाव आए, मैं उनको रोकना नहीं चाहती, कि जिंदगी की लज्जतों को बस वही पहचानता है, जिंदगी की लज्जतों को बस वही पहचानता है। बांट लेना दर्द गैरों का जो इंसान जानता है, बांट लेना दर्द गैरों का जो इंसान जानता है। नूर नूर आ जाती है उसके रूबरू एक रोज मंजिल, नूर आ जाती है उसके रूबरू एक रोज मंजिल, काम अच्छा कर गुजरने की जो दिल में ठानता है, जिंदगी की लज्जतों को बस वही पहचानता है। जिंदगी के ऐसे शैलेंद्र लोढ़ा जी को मैं हृदय से आभार, आत्मिक आभार देते हुए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। मैं इस तरह की प्रशंसाएं सुनता हूँ तो बड़ा असहज हो जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है मैं शायद इस योग्य हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये क्षण मुझे अभिभूत कर देता है कि कोई लड़का आपको देख कर रो पड़े और इतना बड़ा बना दे आपको कि आप पता नहीं मेरे क्या हो। मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ संजय, तुम जिस कस्बे में रहते हो मैं उतने ही छोटे कस्बों में पला बड़ा हूँ, बहुत छोटे छोटे गाँवों में रहा, अभावों में पला, कुछ नहीं हुआ करता था जीवन में, लेकिन हौसला था और एक चीज जरूर थी, शायद इसी ने मुझे सिखाया कि जो नफरत के काबिल है मैं उनसे भी नफरत नहीं करता। मैं हर उस आदमी से मोहब्बत करता हूँ जो राह में आ जाए, कोशिश करता हूँ कि किसी को अगर हम आगे बढ़ा सकें तो बढ़ाएं, और यही अपने छोटे भाई बहनों को सीख देता हूँ। मधुमोहिनी जी मेरी बड़ी हैं मुझसे, लेकिन संजय और अतुल मेरे अनुज हैं। जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, इंसान को इंसान मानो, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। न जाने क्यों लोग स्टार्स बन जाते हैं तो इस तरह से बात करते हैं छोटे मोटे काम करने वालों से जैसे वो उनके मालिक हों, बादशाह हों। हमें ज़िंदगी में इंसान को इंसान समझना चाहिए और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफा तुमने मुझे आज दिया है इस कैमरे पे, यहाँ पे ये कह के, और जिस तरह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए और जिस तरह मधु जी ने ये चार पंक्तियाँ कही, ईश्वर हम सभी को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, हम हंसी बांटते रहें, इंसान को इंसान समझें, मोहब्बत बांटें, नफरत न करें, आलोचनाएं मत करो, अपना काम करो, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंप्लेन, डोंट कंपेयर, जस्ट क्रिएट, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और ऐसी खूबसूरत जिंदगी से रूबरू करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं अतुल ज्वाला, जोरदार तालियों के साथ। सेवा रुके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आदरणीय नई पीढ़ी बैठी है, हम मनोरंजन के लिए 3 घंटे की फिल्म से चले थे और 30 सेकंड की रील तक आ गए। ये सारे बच्चे जो बैठे हैं रील बनाने में और देखने में पागल हैं। अब उसके साइड इफेक्ट क्या है सुनिएगा। आंगन में पड़ोसन से हो गई मुलाकात, आंगन में पड़ोसन से हो गई मुलाकात, मैं हंसते हंसते कर रहा था बात, हम दोनों बहुत नजदीक खड़े थे, मेरे दिल में अरमान बड़े थे, तभी पत्नी ने जोर से चिल्लाकर घर के अंदर बुलाया और बोली, बहुत हवा में उड़ रहे हो, तुमको अभी जमीन पे लाती मैं, कुंडी लगा लो सैया। तुमको जन्नत दिखाती मैं।
कह रहे थे कि 45 क्यों बोला 45 की बजाय, तो सुनिएगा कि मेरे साले की वजह से। अच्छा हाँ, मेरे साले की वजह से क्यों, अब सुनना। मेरा साला बहुत हिम्मत वाला, मेरा साला बहुत हिम्मत वाला, देखते ही देखते चुना लगा गया, विस्की के पैसे लिए और ठर्रा टिका गया। विस्की विस्की के पैसे लिए और ठर्रा टिका गया, अब वो खुद का स्कॉच का भर के प्याला मेरे ठर्रे के प्याले से टकराता है जाम और कहता है कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम। हम वो लोग हैं जो कम में खुश रहते हैं। मैंने कहा ना, नई पीढ़ी किसमें लगी है, नई पीढ़ी क्या पुरानी पीढ़ी भी किसमें लगी है वो सुनिएगा और आनंद लीजिए। ये किस आप... हिंदी वाला है या अंग्रेजी वाला? देखिए हिंदी अंग्रेजी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी सिर्फ देसी पी के ही बोलता हूँ। हमारी स्थिति ये है भाई साहब कि हम बहुत कम में खुश रहते हैं। मिडिल क्लास आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए कि चाय हो गरम पत्नी का दिमाग हो ठंडा, चाय हो गरम पत्नी का दिमाग हो ठंडा, पड़ोसन की हो मुर्गी अपना हो अंडा, मोबाइल टाइम से चार्ज हो जाए, गलती से साल भर का रिचार्ज हो जाए, गर्लफ्रेंड से सुबह शाम बात हो जाए और पत्नी मायके जाए तो एक आध बार मुलाकात हो जाए, इससे ज्यादा अपने को क्या, क्या चाहिए? इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पुरानी सेटिंग अपने बच्चों से मामा ना बुलवाए, पड़ोसन हंस के पूछ ले आप कैसे हो, रस्ते चल के लड़कियां बोले सलमान जैसे हो, ससुराल में साले अटेंशन रहे खड़े और साली जीजाजी कहकर गले पड़े, इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? और अब पंक्तियां सुनना कि 6 अंकों में हो कमाई, काय जैसी सीधी हो लुगाई। कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, दोस्त का रोज शाम फोन आ जाए, पार्टी का हो गया इंतजाम, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाइए छोड़कर आ जा सारे काम, 4 पैग के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पैग के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले, इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? वाह वाह। जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि हमको इससे ज्यादा क्या चाहिए कि चारों तरफ भारत माता की जय का जोर हो, कि चारों तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नजर रहे नीची, ऊंचा हमारा भाग रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, विश्व पटल पर भारत को सम्मान मिले और हर जन्म में हमें धरती हिंदुस्तान मिले, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? वाह 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 अतुल, वाह वाह अतुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। जब हमारी पंक्तियां हमारी हर पंक्ति से बड़ी हो जाए और हम कविता सुनाए और जनता खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? उन्हें जो बड़े कमाल की कवित्री हैं और हर रस में लिखती हैं और पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे आई हैं और आज एक बड़ी खूबसूरत व्यंग कविता लेके आई हैं, मधुबनी उपाध्याय, जोरदार तालियों सर। शैलेश जी मुझसे मेरी उम्र पूछ रहे थे, पिछले 4 दशक से पढ़ा रही हूँ और अगले 4 दशक तक वाह भाई वाह में आऊंगी। अरे वाह क्या बात, वाह। अगर आपकी ऊर्जा प्रणाम में है तो मुझे भी मेरे गुरु की शक्ति, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को एक सीख देना चाहती हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, संस्कारों की बात करती हूँ। कविता का शीर्षक है 30 ग्राम आत्मा। 30 ग्राम आत्मा, अच्छा हाँ। एक बार स्वर्गलोक से कवि सम्मेलन का निमंत्रण आया, चले जी, एक बार स्वर्गलोक से कवि सम्मेलन का निमंत्रण आया, देवताओं के मध्य कविता पाठ की सूचना मात्र से ही मन हर्षाया,
देवराज ने कहा कि जिस कवि की आत्मा का जितना वेट होगा, जिस कवि की आत्मा का जितना वेट होगा उतना ही उस कवि का रेट होगा। अच्छा, एक ग्राम आत्मा के 1,00,000 दूंगा। अच्छा, 1,00,000 दूंगा, पूरी 30 ग्राम पाने पर ही 30,00,000 दूंगा। हमने सोचा ये तो बहुत प्रसन्नता का मैटर है। स्वर्ग तो धरती से बहुत बेटर है। हमने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया, हमारे संबंधियों ने आंसुओं में स्नान किया। घंटों तक कवि सम्मेलन चला, शैलेश जी, घंटों तक कवि सम्मेलन चला। सभी कवियों को अपनी रचनाएं सुनाने का भरपूर अवसर मिला। वहां धरती जैसी बंदिश नहीं थी, सभी कवियों की आपस में रंजिश नहीं थी। क्योंकि पेमेंट सेम था। सभी को स्वर्ग में मिला फेम था। कविता शुरू होती है अब। कवि सम्मेलन के बाद आत्मा के तुलने की बारी थी। अच्छा, प्यारे बच्चों, कवि सम्मेलन के बाद आत्मा के तुलने की बारी थी। वैसे तो जीवन में असंख्य बार लालचवश हमने अपनी आत्मा मारी थी। पर मरते मरते आत्मा जब तुली, तो वजन में रत्ती भर भी ना मिली। अच्छा, हाँ, हमें क्या मालूम था? शैलेश जी, हमें क्या मालूम था कि एक दिन आत्मा का भी मोल मिलेगा। एक दिन आत्मा का भी मोल मिलेगा और हमारे भीतर आत्मा के स्थान पर एक शून्य सा होल मिलेगा। क्या बात है, हम घबराने लगे। हम पछताने लगे कि हमारा कोई पेमेंट नहीं होगा, हमारा कोई भी पेमेंट नहीं होगा वेटलेस सोल का। यहाँ ऐसा एंटरटेनमेंट होगा? हमने कहा देवराज हमें धरती पर भेजिए, हमारी धनराशि आप ही सहेजिए। पंक्तियां व्यंग्य के देखिए, हमारी धनराशि आप ही सहेजिए। अरे इससे तो अर्थ ही बेटर थी। वहां कम से कम आत्मा तो नहीं सब्जेक्ट मैटर थी। वहां जिसकी आत्मा नहीं है सचमुच परमात्मा वही है। हम स्वर्ग से धरती पर लौट तो आए, अपमान के एक क्षण भुला नहीं पाए। बार बार आत्मा धिक्कार कर हमें यही कह रही थी कि मैंने 1,000 बार कहा मुझे मत मारो, लेकिन आज जब मैं मर ही गई तो मेरा मूल्य चाहिए, मुझे अर्थहीन बना दिया और अब अर्थ चाहिए। वाह वाह भगवान, वाह, मुझे सुनाते सुनाते रोंगटे खड़े हो रहे। मुझे अर्थहीन बना दिया और अब अर्थ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि केवल शरीर का ही वध होता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन आज हम भारतीय केवल शरीरों के ही बोझ को ढोए जा रहे हैं। आत्मा मर चुकी है। को कहने के लिए आ गया हूं। सेलो प्रेजेंट्स, वाह भाई वाह। भाई जिंदगी में त्योहार जब निकल जाते हैं तो उनकी यादें छोड़ जाते हैं। दिवाली अभी गई है, लेकिन अब कुछ यादें बड़ी खूबसूरत हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में लोग पटाखे चला रहे थे और जैसे ही पटाखे को तीली लगाई तो देखा सामने मोहल्ले की एक आंटी चली आ रही। तीली लगा के आंटी पटाखा। आंटी बोली, बेटा आप कहां 20 साल पहले थी। हो जाता है, पटाखों से याद आया। राजेंद्र मालवीय को पूछा किसी ने दिवाली के बाद कि भाई ये जो रॉकेट है हम बोतल में डाल के छोड़ते हैं, इससे क्या सीखते हो? तो राजेंद्र मालवीय बोले, इससे ये चीज सीखते हैं कि जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाने के लिए बोतल का सहारा बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे काम चल सकता है। जैसे अशोक भाटी जी, इनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर इनकी पत्नी ने इन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, ऐसी चीज लेके आओ जिससे मैं सुंदर दिखने लगूं। ये अपने लिए एक बोतल विस्की ले आए।
अलावा संभव नहीं था, जिंदगी में ऐसा था। अशोक जी माइक उठाइए, बात ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? ये आपने सिखाया गुरु? मैंने सिखाया है कि इतनी पियो कि हर चीज खूबसूरत लगे। खैर पीने पिलाने की बात हम नहीं करते ना, हम सिखाना चाहते हैं। अशोक जी ऐसी क्या बातें सिखा रहे हैं, बच्चे सामने बैठे सारा देश सुन रहा है, आप क्या क्या कह रहे हैं आप? इस तरह की बातें मत कीजिए, बिल्कुल कैमरे के सामने बिल्कुल मत कीजिए, फिर जो चाहे कीजिए। मुझसे तो लोग बोलते हैं अशोक भाटी कुछ पीते हो क्या? मैं बोलता हूँ यदि आपका प्रश्न है तो नहीं, और यदि प्रस्ताव है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आपने देख लिया, दो चरित्रवान व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं जिनका नाम राजेंद्र मालवीय है, जो इटारसी से हमारे बीच में आते हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। अशोक भाटी बड़ी पवित्र नगरी है, उज्जैन महाकाल की नगरी, वहां से हमारे बीच में आते हैं। और दोनों मध्य प्रदेश वालों के बीच मध्य में जो बैठी हुई है वो दिल्ली से हमारे बीच में आती है, इनका नाम नमिता नमन है। तो नमिता नमन, अशोक भाटी और राजेंद्र मालवीय, इनके लिए जरा कहिए वाह भाई वाह। तो भाई महफिल की शुरुआत की जाए, हमें बड़ी खुशी है जब हम देश में पहली बार किसी प्रतिभा को टेलीविजन के सामने लेके आते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। आज उनमें से नमिता नमन पहली बार हम देश के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कविताएं सुनाएंगी और सारा देश जानेगा इनके बारे में। ये जितने छुपे रुस्तम लोग हैं ये आएंगे और अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब मैं उन रुस्तमों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं जो चाहे तो भी छुप नहीं सकते, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अपनी धूम मचाए हैं। उनमें से एक है अशोक भाटी, जोरदार ताली स्वागत कीजिए। एक दिन में बस अड्डे पर कर रहा था बस का इंतजार। अच्छा, नॉर्मली बस अड्डे पे बस का ही करते हैं। हालांकि राजेंद्र मालवीय जैसे कुछ लोग हैं जो बस अड्डे पे भी पता नहीं किसका इंतजार करते हैं। लेकिन इनके बस में ही नहीं है कि कोई आए तो फिर ये बेबस हो जाते हैं। एक दिन में बस अड्डे पर कर रहा था बस का इंतजार, तभी होने लगी बरसात मूसलाधार। एक बूट पॉलिश वाला लड़का मेरे पास आया, मैंने पॉलिश के लिए अपना जूता आगे बढ़ाया, लड़के ने पॉलिश कर डाली और जूते को चमकाया। अच्छा, तो मैंने उसकी हथेली पर एक रुपए का कलदार धरा और उससे एक प्रश्न करा, बेटे तेरा काम इस कलदार से चल जाएगा? लड़का बोला, बाबूजी चल जाएगा, पर मैं आदमी बहुत दरिया दिल दिलदार, मुझसे नहीं रह गया। मैंने फिर प्रश्न दोहराया, बेटे तेरा काम इस एक रुपए से चल जाएगा? लड़का बोला, बाबूजी मेरा काम इस एक रुपए से चल जाएगा, पर बार बार आप इस प्रश्न को क्यों दोहराते हैं? वैसे भी इतनी मूसलाधार बरसात में आपके जैसे बेवकूफी पॉलिश करवाते हैं। बहुत बढ़िया अर्जुन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक पार्क का सीन दिखाता हूँ। पार्क का सीन? पार्क का सीन। ओए होए। एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। ओए होए, ओए होए, क्या बात है, बहुत अच्छे। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी सांस्कृतिक, भाई बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह। सेमी कल्चरल, सेमी कल्चरल एक्टिविटी करने से रोका, बोले शादी के पहले ही प्रेम का इजहार क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला, सर आपको गलत फहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है, हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं, अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा। तो सिपाही बोला, शादीशुदा हो तो घर पर जाइए और वहीं पर जाकर झांझ बजेरे बजाइए। तो युवक बोला, बाप रे बाप क्या बात करते हैं आप, यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी। नमिता जी को शायद आपकी बात पसंद नहीं आई या समझ में नहीं आई। नमिता तुम वैसे चुपचाप बैठी हुई हो, गुस्से में इधर उधर देख रही हो, ना कोई तालियां बजा रही हो ना मुस्कुरा रही हो। मैं उसमें गुम हो गई थी कि ये कल्चर कौन सी वाली चल रही है प्रक्रिया, मुझे उसी में समझने में टाइम लगा। माय गुडनेस, देखो ये सोच सेमी कल्चर, मतलब सेमी कल्चरल एक्टिविटी चल रही थी। बहुत अच्छे, क्या बात है। अब उधर के जो युवा हैं जी, वो आंखों ही आंखों में इधर कुछ तकरार कर रहे थे, तो मैंने उनको एक समझाइश देता हूँ, बड़ा हूँ, एक पंक्ति में समझाइश। अच्छा, इधर तकरार कर रहे थे, आंखों ही आंखों में? आंखों ही आंखों में। उत्तरी की, कौन है, कौन है? एक पंक्ति में, वो हाँ वही, ये नीले शर्ट वाला, इनको हाँ, कि यूं तो पराई नार से दामन बचाना चाहिए,
यूं तो पराई नार से दामन बचाना चाहिए, पर हल्की बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए। हाय हाय। इस पे मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ गया, उनकी बड़ी मशहूर गजल है, वो कहते हैं कि यूं तो इतना भी खुद को मत बचाया कर, इतना भी खुद को मत बचाया कर, और बारिशें हो तो भीग जाया कर। जी तो एक अगला कटपीस प्रस्तुत है। जी एक नेताजी नगर भर के प्यारे, 40 के हो गए फिर भी कुंवारे के कुंवारे, 40 के हो गए फिर भी कुंवारे के कुंवारे, एक दोस्त ने सलाह दी नेताजी शादी रचाइए और भगवान के लिए आप भी देश की आबादी बढ़ाइए। तो नेताजी ने शादी रचा ली ताबड़तोड़ में और शामिल हो गए आबादी बढ़ाने के दौड़ में और शामिल हो गए आबादी बढ़ाने के दौड़ में। एक महीने बाद नेताजी अपनी किस्मत पर रो रहे थे और ओटले पे बैठे बैठे घर के कपड़े धो रहे थे। अच्छा। और ओटले पे बैठे बैठे घर के कपड़े धो रहे थे। दूसरा दोस्त बोला नेताजी लगता है अपनी आदत सुधार रहे हो और जन्म पत्रिका में जूता मार रहे हो, लगता है अपनी आदत सुधार रहे हो जन्म पत्रिका में जूता मार रहे हो, पहले तो घुमा करते थे लगाकर पाउडर और सेंट और आजकल धोना पड़ रही है खुद की शर्ट और पैंट। तो नेताजी हुए गरम, बोले बेशरम तेरी या नजरों में मुझे जरूर कोई खोट दिखाई देता है, तेरी नजरों में जरूर कोई खोट है, ये मेरी पैंट नहीं तेरी भाभी का पेटीकोट। ये पेंट नहीं पत्नी का पेटी कोट है, जो जो अपनी पत्नी देवी के कपड़े धोता है वही देश का सफलतम नेता होता है। वाह वाह। लेकिन लेकिन कवि नहीं धोता है, क्योंकि कवि के यहाँ ये रिवायत नहीं होती है, जब कवि कपड़े नहीं धोता है तो फिर पत्नी ही धोती है। भाई अशोक भाटी जी ने कमाल किया, मैं जरा माइक इधर दीजिए, कौन ये आंखों में तकरार कर रहा था भाई, क्या नाम है आपका? जी अर्जुन। अर्जुन जी। ओ मछली की आंख का निशाना। अर्जुन ये क्या आक्षेप लगा रहे हैं तुम पे अशोक भाटी जी, इल्जाम लगाया है तुम पे? सर वो तो इधर किधर इशारा कर रहे थे, वो पता नहीं कैसे तुम्हें ऐसे ही पकड़ लिया इन लोगों ने। जी क्यों पता नहीं सर। भाई कौन, यही था कोई और था? सर मैम बता देंगे आपको मैं था या नहीं। मैम आप बताइए कौन था भाई। नमिता तुम बताओ। थे तो यही अब ये। बस कलर का फायदा उठा लिया, एक डार्क कलर ब्लू कलर का फायदा उठा लिया, बस थे आप ही, मैं बहुत देर से देख रही थी आपको। वाह। मुझे खुशी इस बात की है कि ये बालक वहां बैठ के भी ये सब कर रहा था, या गुस्सा इस बात का है, खुशी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाव क्या है, लेकिन जो भी है ये बालक वहां बैठ के भी ये सब कर रहा था और बिल्कुल निडर था, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि नमिता का ध्यान भी इधर था। बैठो अर्जुन बैठो। थैंक यू। सिर्फ कविता सुनो। सर कुछ बोलूं? जी कहो। आज कुछ कहना चाह रही हूँ कि जुबा पर क्या है बखूबी जान लेती हूँ, नजर ही नजर में सब पहचान लेती हूँ, और मुझ पर दिल लगाने से पहले सोच लो मैं टीचर हूँ बड़ा इम्तिहान लेती हूँ। से मैं कह देता हूं, जो इन्होंने कहा कि टीचर हूं बड़ी इम्तिहान लेती हूं, तो तुम भी जवाब दे दो हाँ कि हम भी हर बात यूं ही नहीं सहते, हम भी हर बात यूं ही नहीं सहते हैं, आंखों से कहते हैं जुबान से नहीं कहते हैं, हम भी हर बात यूं ही नहीं सहते हैं, आंखों से कहते हैं जुबान से नहीं कहते हैं, और वो टीचर हैं इम्तिहान ले तो ले, हम जब तक पास नहीं होते उसी क्लास में रहते हैं। अशोक जी क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन की एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैं जानता हूँ इस बच्चे को। जब ये आठवीं क्लास में था तो इसकी क्लास की मैडम ने इसको पूरा का पूरा अध्याय पढ़ाया और ये बोला कि अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अर्जुन ने हाथ खड़ा किया, मैडम मुझे पूछना है। बोले बोलो क्या पूछना है। बोले मैडम आज क्लास में रीटा नहीं आई। वाह अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे साथ ये जो सेमी कल्चरल एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, मैं उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अर्जुन बैठिए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। और हम बुलाता हूँ उन्हें जो इटारसी से हमारे बीच में आते हैं और जिन्हें हम कहते हैं राजेंद्र मालवीय आलसी। जोरदार तालियों के साथ नमस्कार करता हूँ सभी को बाकायदा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी अभी एक कोरोना जो गया इसमें तरह तरह के प्रयोग किए गए। पूरी दुनिया में कोरोना था, सबने अपने अपने हिसाब से इलाज किया, अपने अपने हिसाब से सलाह दी। हमारे गांव में तो डॉक्टर घर घर आते थे और सलाह देते थे, समझाते थे। हमारे घर आए, बोले मालवीय जी हम मियाँ बीवी दोनों आ गए। हमने कहा डॉक्टर साहब नमस्ते। बोले नमस्ते, देखो ये कोरोना है बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत तकलीफ की है, ऑक्सीजन कम हो जाती, सांस लेने में दिक्कत होती, पलाना ढिकाना इमका ढिमका डन डन डन। इन सब बातों से आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, आपको इसका मुकाबला करना है, लड़ना है, डरना नहीं है। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। फिर मुझसे बोले ये कौन है, मैंने कहा ये मेरी श्रीमती जी है। बोले इनसे डरना है, लड़ना नहीं है। ओ मैंने उनके डर से उनको मायके भेज दिया। वहां 3-4 दिन ठीक ठाक रही, चौथे दिन वीडियो कॉल करके लड़ने लगी। ओ मैंने कहा वहां अपने भाई भतीजों के साथ रह रही हो, आनंद से रहो, तुम्हारा लड़ना मुझे बहुत ज्यादा खल रहा है। वो बोली मालवी जी आप आपत्ति नहीं ले सकते, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और एक कविता आप तक पहुंचा रहा हूं साहब चैनल के माध्यम से। कविता का शीर्षक है उम्र का हिसाब। अच्छा, पूरी उम्र का हिसाब देता हूं 5 साल से लेकर 80 साल तक के। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 समझ में ही नहीं आते। क्या बात, वाह वाह। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 15 और 20 समझ में ही नहीं आते हैं। और तुम्हें हक है 25 और 30 में तन तनाते रहो। तो तुम्हें हक है 25 और 30 में तन तनाते रहो, मगर 35 और 40 में समझदार तो बनो। वाह वाह क्या बात है। 35 और 40 में समझदार तो बनो, 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती और इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती। क्या बात है। इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उम्र अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती। वाह वाह बहुत बढ़िया राजेंद्र मालवीय, वाह वाह वाह। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है, 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है। आए हाय वाह वाह बहुत बढ़िया पंक्ति भाई, 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है और 60 अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। क्या बात, वाह। 60 अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है, 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, माफ करना दोस्तों 65 की उम्र में यही होता है। वाह वाह। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है, 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है, 75 अकेला पश्चाताप करता है, अकेला अकेला पश्चाताप करता है अनेक,
और 80 समझा कर कहता है अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वाह 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 क्या बात है। क्या बात है राजेंद्र मालवीय, आपने उम्र के फलसफे को बहुत साधारण शब्दों में और बहुत सामान्य शब्दों में समझा दिया। तो मुझे एक बड़ा मशहूर शेर याद आ गया है। एक पंक्ति में उन्होंने कहा है कि सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन ये जिंदगी यूं तमाम ना हो इसके लिए हम कुछ करते रहे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक सज्जन बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शशांक दुबे। शशांक दुबे जी, आज आप वाह भाई वाह में बतौर श्रोता सुनने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले एक महीने में मैं जितना हंसा हूँ उतना मैं आज हंस लिया हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 29 दिन मुझे बहुत ही खामोशी से, सुस्ती से और अपनी गर्दन झुका करके बिताने पड़ेंगे। नहीं, क्यों गर्दन झुका के बिताने होंगे? आज आप हंसे हैं, इन क्षणों को रोज याद कीजिए और रोज हंसिए। जिंदगी में हंसी के बहाने होने चाहिए, बैठे बैठे मुस्कुराइए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल जरूर, बिल्कुल मुस्कुराएंगे, बिल्कुल हंसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे जी हमारे बीच में आए। वैसे करते क्या है आप शशांक जी? मैं बैंक में राजभाषा अधिकारी के रूप में काम करता रहा हूँ और कल ही बैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, कल आप रिटायर हो गए? जी हाँ। अपना सारी सेवा दे के, क्या बात है। और इसे कहते हैं जिंदगी भर मेहनत करने का परिणाम के रिटायर होते ही दूसरे दिन आप कह रहे हैं वाह भाई वाह। वाह, इतने साल की जो मैंने मेहनत की थी, 40 साल की नौकरी जो की थी, आज मुझे उसकी पेंशन और ग्रेजुटी मिल गई। क्या बात है, वाह वाह। बड़ी खूबसूरत है, इससे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि जिंदगी ही सब कुछ है और जिंदगी में मुस्कुराहट नहीं है तो जिंदगी जिंदगी नहीं है। तो आइए जब बात चलिए जिंदगी की, मोहब्बत की, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ जो अपने शेरों में जिंदगी को भी पढ़ती है और मोहब्बत को भी। नमिता नमन, जोरदार तालियों के साथ। अभी जैसे जिंदगी बहुत खूबसूरत है बात की सर ने, तो इस खूबसूरत जिंदगी में इश्क मोहब्बत के बिना रंग अगर जो ना हो तो बहुत अधूरा सा है। इसी रंग में सरोवर करने में आपके सामने आई और कहती हूँ कि एक भी मुकम्मल लब आरजू नहीं होती, एक भी मुकम्मल लब आरजू नहीं होती, रोज उससे मिलते हैं गुफ्तगु नहीं होती, और ख्वाब मेरी चौखट पर राह तकते रहते हैं, नींद मेरी आंखों में जब भी तू नहीं होती। नींद मेरी आंखों में जब भी तू नहीं होती। और इसी उसमें एक गजल कहती हूँ और कहती हूँ, इश्क मोहब्बत की बात कहती हूँ और क्या कहती हूँ सुनिएगा, कि जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, जिंदगी के लिए ये सजा तो नहीं, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं। क्या बात है, इश्क मैंने किया जो खता तो नहीं, और मान लेती तुम्हारी मैं शर्तें सभी, मान लेती तुम्हारी शर्तें सभी, मौन ही तुम रहे कुछ कहा तो नहीं। क्या बात है, मान ही तुम रहे कुछ कहा तो नहीं, और आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, देख ले चारागर। चारागर कहते हैं चिकित्सक को, डॉक्टर को, कि आखिरी वक्त है, देख ले चारागर, जख्म सीने में कोई हरा तो नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सीने में कोई हरा तो नहीं, और सर्द सर्द क्यों पड़ गई धड़कने आखिरश, सर्द क्यों पड़ गई धड़कने आखिरश, चांदनी ने बदन को छुआ तो नहीं, चांदनी ने बदन को छुआ तो नहीं, और बहुत शुक्रिया। कि फिर भला किस लिए इतना कोहराम है, फिर भला किस लिए इतना कोहराम है, वो जो होना था अब तक हुआ तो नहीं, क्या बात है, वो जो होना था अब तक हुआ तो नहीं। और अंत में कहती हूँ कि जिसकी खातिर ए नमिता बनू मैं सिया, जिसकी खातिर ए नमिता बनू मैं सिया, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं, राम ऐसा कोई भी मिला तो नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। चिप्स का पैकेट जब मैंने खरीदा, चिप्स का पैकेट जब मैंने खरीदा, तो बहुत देर सोचता रहा इसमें खाली हवा तो नहीं, क्योंकि
और कुछ निकलता ही नहीं है उसमें से, लेकिन हमारे खजाने से बहुत कुछ निकलता है। हमारा वो सेगमेंट जिससे बड़ी मुस्कुराहट आपके घरों में फैलती है, कहानी थोड़ी इल्मी है। विनोद खन्ना साहब, यहाँ का दादा है तू? ये जो एक्टर है, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक जानकारी किसी के दिमाग में और आए ना आए, लेकिन ये जो एक्टर हैं, ये हमारे हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े लिरिक राइटर रहे हैं। इतने खूबसूरत गाने इन्होंने लिखे। इनका नाम गुलशन बावरा जी था और यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी जैसे खूबसूरत गाने इन्हीं की कलम से निकले। ये गुलशन बावरा जी थे जो बड़ा एक छोटे मोटे गुंडे का रोल कर रहे थे। किसी को कुछ याद आता है? हाँ अशोक जी, रोज रोज दिवाली रखना, रोज रोज दिवाली रखना पर जेब हमेशा खाली रखना। अच्छा, रोज रोज दिवाली रखना पर जेब हमेशा खाली रखना, शरीफ मित्र काम ना आते मित्र सदा मवाली रखना। हाय हाय क्या बात है, वाह वाह वाह। आखिरी, मित्र सदा मवाली रखना, उत्तम है पत्नी माना लेकिन एक टनाटन साली रखना। मित्र सदा मवाली रखना, इतनी खूबसूरत महफिल जब सजी हो तो इन कवियों के लिए होठों पे वाह भाई वाह और हाथों में ताली रखना, वाह भाई वाह।